कार्या नहीं है। अब पांच भूत, यहां तो कहा पांच भूतों का कार्या नहीं है, परंतु चार भूतों की बात की। एक तीखे शस्त्र, एक अग्नि, एक जल, एक वायु, पांचवा तत्व आकाश छोड़ दिया। पंचभूतों का कार्य नहीं है। अब यहां कोई कह सकता है वायु भी दिखाई नहीं देती, फिर यह पांचों तत्वा में भी साकार नहीं है वायु, निराकार है, दिखाई नहीं देती जिस प्रकार आत्मा दिखाई नहीं देती। परंतु जो स्पर्श, ये वायु पंखे की वायु दिखाई नहीं देती, परंतु स्किन इसे स्पर्श करके बता रही है ये है, तो आंख से नहीं दिखाई देती, इसकी विद्यमानता हमें पता चल रहा है, आत्मा का नहीं पता चलता। आत्मा का केवल हमें ज्ञान हो चुका है कि यह शरीर चल रहा है, यह हम मानते हैं, मेडिकल साइंस इसे भी नहीं मानती, वो तो इंद्रियों को मानती है, हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया इसलिए शरीर डेड हो गया। अध्यात्म साइंस और मेडिकल साइंस यहां पर अलग अलग चलती है। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जो वह कहती है कि हार्ट ने काम करना बंद कर दिया इसलिए यह सारा हुआ, जबकि अध्यात्मवाद कहता है कि जो पांच प्राण है वह आत्मा ने एकत्रित करके इससे बाहर हो गया। तो ये आज से नहीं, जब से ये सृष्टि है ये आपस की वार्तालाप में ये अज्ञान और ज्ञान के ऊपर चर्चाएं चलती रहती हैं। आत्मा नित पंचभूतों का कार्य नहीं है, सर्वगत है, अपने मुक्त भाव से सर्वत्र प्राप्त है, स्वरूप से स्थिर है, अचल है और सनातन है। ये अब भगवान जो कह रहे हैं अर्जुन को बता रहे हैं, उनके इसके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं कि मेरे शस्त्र चलाने पर आत्मा जल जावेगी क्या, वह कट जावेगी क्या, मैं ये शस्त्र का उपयोग करूंगा वह भीग जाएगी इत्यादि, उसका उत्तर दे रहे हैं। ये पांच भूतों का कार्य नहीं है, ये केवल पांच भूतों पर तुम्हारे शस्त्र अपना प्रभाव डालेंगे, आत्मा पर नहीं डालेंगे। जीवित व्यक्ति को तेरे बाण जब जला देवेंगे उनकी आत्मा नहीं जल जावेगी। सर्वगत है, अपने मुक्त भाव से सर्वत्र प्राप्त है, स्वरूप से स्थिर है, अचल है और सनातन है। आत्मा आदि अंत से रहत है, आदि अंत जिसका आरंभ है उसका दूसरा सिरा है, आदि अंत से रहत है, ना इसका कोई आरंभ है ना इसको कोई इसका अंत है। गुरु वशिष्ठ ने भी वर्णन किया, स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने, जब महाराज दशरथ का वह प्रसंग आता है, अपना शरीर त्यागते हैं, विलाप करते हैं, तब गुरु वशिष्ठ ने कहा है कि यह जन्म और मृत्यु यह तो दो जोड़ा है, ये जोड़े के रूप में ही आता है, ऐसा कौन जन्म में आया जिसने मरण नहीं हो पाया, जो आता है अवश्य जाता,
आदि सदा ही अंत दिखाता, आदि जिसका आरंभ है, जिसका जन्म है उसका अंत है, जिसका आरंभ है उसकी मृत्यु है। आत्मा आदि अंत से रहित है, शरीर का आदि भी है अंत भी है, जन्म भी है और मृत्यु भी है, जबकि आत्मा का नहीं है। यह नित्य सदा रहने वाला है, नित्य सत्य सच्चा है, सनातन सबसे पुरातन सत्ता है। यह अभाव से न अस्तित्व से नहीं बना हुआ है, न अस्तित्व से अस्तित्व कदापि नहीं हो सकता। ये हमने कहा था, रेत में तेल नहीं है, कितना भी उसको पीड़ लो तो रेत में से तेल नहीं निकलने वाला। तिल में तेल है, उसमें तेल है तो इसलिए उसमें से है, जो नहीं है वह नहीं है, जो है वह है। अभाव से ना होने से भाव कदापि नहीं हो सकता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यहां तक जो हमें समझने की बात है, ये इसको अपने व्यवहार में लेकर आना होगा। यहां तक जो आत्मा की बात हुई है, शरीर की बात हुई है, ये अपने ही उपार्जित किए हैं, छोटी आयु बड़ी आयु, सुख दुख वैभव ऐश्वर्या, ये सब अपना ही स्वयं कमाया हुआ है। इसमें भगवान का कहीं किसी प्रकार का दोष नहीं है, वह सबको बराबर देता है, सबके लिए बराबर उसका कार्य है, परंतु जो जितने का अधिकारी है उतना ही प्राप्त कर पाता है। शरीर भी कर्म अनुसार, ये जो चोला मिला है उसे अच्छे कर्म तो रहीस का घर, कोई राजकुमार के रूप में पैदा होगा, अथवा गदा घोड़ा इत्यादि खच्चर, वहां पर बहुत कार्य करना पड़ेगा। एक राजकुमार को तो कोई ऐसा शारीरिक परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा। अगर मानव जूनी में भी आ गया, लूला लंगड़ा ये सब अपने किए कर्मों का परिणाम होगा। इस मानव देह में भी एक राजकुमार की तरह सारे कार्य का निरीक्षण करते हुए उसका संचालन करता है। एक शारीरिक रूप से परिश्रम करता है, मजदूर बोझा सिर पर उठा रहा है, गर्मी में मिट्टी को खोद रहा है, दोनों मानव देह में है, एक अपना कार्य कर रहा है निरीक्षण करते हुए करवा रहा है, एक परिश्रम करते हुए कर रहा है, इसमें भी अंतर है। मानव देह में भी आकर ये सब अपने प्रारब्ध कर्म के कारण है, और वह भी है जो झुग्गी झोंपड़ी में ना तो वह स्वच्छ उनको भोजन मिल रहा है, ना पैर पसार करके उसमें वह सुख आराम से रह भी सकते हैं। निर्णय मानव को स्वयं करना होता है, मुझे क्या कमाई करनी है, क्या अर्जित करना है, क्योंकि एक गाड़ी छूटने पर, एक गाड़ी से उतरने पर दूसरी गाड़ी तैयार मिलेगी। कैसी मिलेगी? जैसी इस गाड़ी में, इस शरीर में रहते हुए कर्म करेंगे, अगली गाड़ी श्री मानव का ग्रह झुग्गी झोंपड़ी, उससे नीचे गधे की जूनी, खच्चर की जूनी। इंसान मेहनत कर रहा है, खच्चर मेहनत भी कर रहा है और चाबुक भी खा रहा है।
सभी चोले में अंतर है। हे गुरुदेव, हम सब आपकी चरण शरण में हैं, आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। सर्व